सही लोगों को सही फिल्म नहीं दिखाई जाए तो फिल्म बनाने का कोई पॉइंट नहीं होता है। गुस्सा भी आता है, बुरा लगता है, एक बुरे डिसीजन की वजह से मुझे फिल्म देखने को नहीं मिल रही है। मेरे माता पिता फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, दोनों फिल्म मेकर्स हैं, तो बचपन से ही मैं ऐसे ही इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ हूँ कि एक्टर्स हर जगह, प्रोड्यूसर्स हर जगह, तो नेचुरली मैं भी इसी फील्ड से अट्रैक्ट हूँ। और बचपन से ही मुझे एक्टर बनना था, मतलब जब मुझे गिनना नहीं आता था तब मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है बड़े होके। तो ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो अपनी पहली फिल्म थिएटर में ना देख पाना, उस बात का अफसोस तो होगा ही, थोड़ा गुस्सा भी आता है, बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं। तब भी कि इसमें मेहनत की है मैंने, और एक बुरे डिसीजन की वजह से मुझे फिल्म देखने को नहीं मिल रही है, उसका तो किसका दिमाग नहीं सटकेगा। और बस मैं चाहता हूँ कि अगर सेंसर बोर्ड कोई भी डिसीजन ले तो वो ऐसा डिसीजन ले जिससे हम लोग का भला हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म मैं अपने एज ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाऊँ, बट जो इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए बनाई गई थी, वो भी इस फिल्म को समझ पाए और कुछ सीख पाए। क्योंकि जो पूरा विजन था इस मूवी के पीछे, उसका एक ही मकसद था और वो था भारत को सिखाना कि सेक्स एजुकेशन कोई छुपा के सिखाने की बात नहीं, खुल के बताने की बात है। सेक्स एजुकेशन को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको सीखना होता है, क्योंकि सब चीज़ों पे सवाल तो होता ही है। जब बच्चे होते हो तो हर चीज़ के सवाल होता है कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, और सेक्स वैसी एक चीज़ है। और इस दुनिया की बात क्या है, थोड़ी सी भी गलत जानकारी बहुत हानिकारक हो सकती है। जैसे मेरा कैरेक्टर विवेक, उसको थोड़ी गलत जानकारी क्या मिली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर आ गई। तो सेक्स एजुकेशन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड ऐसे सिखाया जाए कि किसी और को कुछ ऐसा ना सहना पड़े जिससे पूरा नुकसान हो जाए। पीरियड्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसीज क्या होती है, ये सब टॉपिक्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली नेचुरल है, ऐसा भी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल टॉपिक्स हैं, तो उनसे एकदम छुप छुपा के क्यों बात किया जाए। अगर खुल के बताएंगे तो लोग समझेंगे, लोग सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेंगे, जवाब तभी होता है जब सवाल होता है। ये लाइन मैंने अक्षय कुमार से चुरा के ली है, बट सच्ची तो है। इसलिए मुझे ये फिल्म करने का इतना मन था, क्योंकि मीनिंगफुल सिनेमा एक अलग चीज़ है जहाँ पे कॉमेडी भी हो सकती है बट अच्छी सीख भी मिलती है। तो इसलिए मुझे ये फिल्म इतने मायने रखती है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और लोगों के दिलों में कुछ मायने रखेगी। भाई बचपन से एक्टर बनना था, सपना था कि बिग स्क्रीन पे अपने आप को देखूं, तो मौका नहीं मिल रहा है, अलाउड नहीं है, ये सबसे बुरा लगेगा कि मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि कोई भी फिल्म देखेगा उनको समझ आएगा कि फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट ये फिल्म बनी ही है बच्चों के लिए कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाए और कुछ नया सीख के निकले। तो अपनी फिल्म देखना, अफसोस सिर्फ ये बात का नहीं है कि मैं अपनी फिल्म नहीं देख पा रहा हूँ, बट अफसोस ये भी है कि एक ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिससे हमारा पूरा विजन ओवररूल किया जा रहा है। बच्चों को सिखाने की जगह हम लोग वो फिल्म बड़ों को दिखा रहे हैं, तो फिल्म बनाने का पॉइंट ही क्या था? वही, क्योंकि अगर सही लोगों को सही फिल्म नहीं दिखाई जाए तो फिल्म बनाने का कोई पॉइंट नहीं होता है। और मेरे जैसे बच्चों का सपना ही होता है कि अपने आप को बिग स्क्रीन पर देखें। जिन बच्चों को एक्टर बनना है उनके लिए बड़ी बात होती है कि मैं थिएटर में हूँ, और मैं तो बड़ा हुआ हूँ थिएटर की सीट पर, तो अपना अपने आप को देखना तो एक सपना था मेरे लिए बचपन से। यही दो वजह है जिससे मुझे बुरा लगता है, एक कि विजन ख़राब हो जाएगा और दूसरा कि मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। क्या ही कर सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? लोग बोलेंगे कि 18+ मूवी है, बच्चों को मत दिखाइए। जब भी OTT पे आएगी प्लीज़ अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाइए, क्योंकि इस फिल्म का एक ही मकसद था और वो था सेक्स एजुकेशन, जो रेगुलेशन डिज़र्व करता है उसको वो रेगुलेशन दी जाए। क्योंकि सेक्स एजुकेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है जो अगर ठीक से एक्सप्लेन किया नहीं जाए
तो बहुत कन्फ्यूजन छोड़ देता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब देखे और सब समझे कि इस फिल्म का रियल मीनिंग क्या है, सिर्फ स्टोरी और सिर्फ जोक्स पे नहीं, इस डीपर मीनिंग उस पर फोकस की जाए। क्योंकि अगर हम लोग सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो सोसाइटी जितना स्मूथली चलेगी एकदम मक्खन हो जाएगा। तो मैं वही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर सनातन, मैं एक सीख देना चाहता हूँ कि अगर सनातन से रिलेटेड कुछ बात है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। ओ माई गॉड टू के रिलीज़, ओ माई गॉड टू के ट्रेलर के आने से पहले भी लोग बोल रहे थे कि ये फिल्म को हम लोग बॉयकॉट करेंगे, सनातन के अगेंस्ट है। इस फिल्म में ना कुछ दिखाया गया भगवान के अगेंस्ट, ना कुछ दिखाया हमारे धर्म के अगेंस्ट, और ना कुछ दिखाया है मंदिरों, पुजारी, इन लोग के अगेंस्ट। तो बिना सोचे समझे अगर ये लोग ऐसे ही बॉयकॉट ट्रेंड शुरू कर देंगे, तो ये सबको भी रोकना ज़रूरी है। जिस दिन से इसने फर्स्ट ऑडिशन दी थी और उसके बाद हमें ये पता चला था कि इसका सिलेक्शन हो गया है, उस दिन से लेके पूरे प्रोसेस में हम लोग सिर्फ इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि ये फिल्म थिएटर्स में आएगी और हम पूरा परिवार एक साथ देखेंगे। और प्रीमियर के 2 या 3 दिन पहले हमें ये पता चला कि इसको ए सर्टिफिकेट मिल गया है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। उस दिन से लेके आज तक हर बार जब कोई फ़ोन करता है, कोई मैसेज आता है, या कहीं मैं पढ़ती हूँ कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है और अब ये फिल्म 100 करोड़ वाले लीग को भी क्रॉस कर गई है, तो इतनी खुशी हो रही है और इतना अफसोस हो रहा है कि जिस पर्पस से ये फिल्म बनी उस ग्रुप के बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं, मेरा बेटा नहीं देख पाया है और इसके सारे दोस्त नहीं देख पाए हैं। हम लोगों ने पूरा सेलिब्रेशन प्लान किया था कि इसके सारे फ्रेंड्स के साथ हम एक साथ थिएटर बुक करके सबको दिखाएंगे, और इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब हम लोग भी इस टॉपिक पे नहीं खुल के बात कर पा रहे थे। हम लोग के लिए भी ये इतना बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू हर चीज़ आदमी खुल के बात कर सके। हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था, वो सब इसके चलते गड़बड़ हो गया है। मैं तो चाहूँगी कि एक बार फिर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर सेंसर फिर से सोचे और फिर से एक बार अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ भी चाहें सब मिल करके, अगर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होना चाहे रिव्यू करके, हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल कमिटी को बैठा करके और देखा जाए, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए इसको ए सर्टिफिकेट दिया जाए। इंडिया के बाहर इसको UA दिया गया है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि US से, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हमारे कंट्री में जहाँ की ये फिल्म है, जहाँ के लोग काम किए हैं, जहाँ का बच्चा इतना अच्छा काम किया है, इतना सेंसिबल राइटर है, डायरेक्टर है अमित राय, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, अक्षय कुमार सिर्फ मीनिंगफुल सिनेमा बनाए हैं, तो ये सब चीज़ को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए और मुझे लगता है कि रिकंसिडर करके इसको UA मिलना चाहिए।